उत्तर प्रदेश का स्टोरी टाइम। मैं रौनक हूँ। और मैं चंचल। और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं एक स्टोरी, द क्लेवर रैट एंड द एरोगेंट माउंटेन, कि कैसे एक छोटे से माउस ने एरोगेंट माउंटेन को सबक सिखाया। लुक मामा, भैया ऑलवेज टीजेस मी। ही सेड, तुम तो चूहिया हो। यू लुक लाइक अ टाइनी माउस। एंड ही सेड, मैं तो तुमसे स्ट्रॉन्ग हूँ। यू आर सो वीक। माँ, क्या मैं बहुत वीक हूँ? नो माई डियर बेबी, तुम अभी छोटी हो ना, इसलिए भैया ऐसा बोलते हैं। बट इफ यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे, यू विल बिकम स्ट्रॉन्ग। और मैं तुम्हारे भाई को भी अभी समझाती हूँ। सुमित, वाई आर यू टीजिंग सुची? शी इज योर यंगर सिस्टर ना, उसके साथ तुम्हें प्यार से रहना चाहिए। तुम उससे बड़े हो और स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन हमेशा बड़ा होना और ताकतवर होना ही सब कुछ नहीं होता है। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ। वंस देयर वॉज अ माउंटेन, ही वॉज वेरी बिग। एक दिन उसने सोचा, आई एम सो बिग। देन ही लुक्ड अराउंड, उसने फॉरेस्ट को देखा, एनिमल्स को देखा और आसपास की हर चीज को देखा। उसे अपने साइज पर बहुत प्राइड फील हुआ और उसने बोला, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन हियर, यहाँ सबसे ताकतवर मैं ही हूँ, सो यू ऑल हैव टू ओबे मी। माउंटेन की यह बात सुनते ही सभी एनिमल्स ने कहा, अरे इस पर्वत को आज क्या हो गया है, बहुत अकड़ में बात कर रहा है, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तब सभी एनिमल्स ने डिसाइड किया और माउंटेन को प्यार से समझाने की कोशिश की। और फिर सभी एनिमल्स ने माउंटेन को समझाया कि माउंटेन, डोंट बी सो एरोगेंट, इतना एरोगेंट मत बनो, हम सभी जंगल के निवासी हैं और हमें प्यार से रहना चाहिए। एंड देन द हॉर्स सेड, ओ एरोगेंट माउंटेन, अपने आप पर इतना घमंड मत करो। आई रन वेरी फास्ट, आई विल क्रॉस यू इन वन जंप, एक छलांग में ही तुमको पार कर जाऊंगा। अच्छा, तो तुम मुझे पार करोगे? अरे ट्राई तो करो। आफ्टर लिसनिंग टू द माउंटेन, हॉर्स ने ट्राई किया, बट हॉर्स जैसे ही आगे बढ़ा, माउंटेन से टकराकर गिर पड़ा। इट फेल डाउन एंड गॉट हर्ट। क्या हुआ मिस्टर हॉर्स? आई एम ऑलमाइटी। Then came the giraffe and he said, I have a long neck and long legs too. So, मैं तुमसे लंबा हुआ, जिससे मैं तुम्हारे उस पार तक देख सकता हूँ। फिर तो तुम मेरे से बिग नहीं कहे जाओगे। अच्छा, then come and see. अभी देखता हूँ, who is bigger? Oh no, it's so high. In this way, many animals tried to teach him a lesson, but सभी फेल हो गए। और फिर सारे एनिमल्स मिलकर सोचते हैं, What do we do now? कैसे इस माउंटेन को सबक सिखाएं?
Just then, the fox said, अरे भाइयों, सुनो सुनो, मेरी भी तो सुनो, मुझे एक आइडिया आया है। आइडिया? What आइडिया? अरे, हमारा फ्रेंड मिस्टर माउस है ना, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। सुना है, एक बार उसने हमारे किंग लायन को भी बचाया था। He can do anything. Oh, yes, yes, you are right. और फिर सभी एनिमल्स ने सोचा, We should go to the mouse's house. अब वही हमारी हेल्प कर सकता है। अरे मिस्टर माउस, उठो उठो, जल्दी बाहर आओ, come out fast. अरे, ये नॉइस कैसी? देखूं तो क्या बात है? कितना ब्यूटीफुल सपना देख रहा था, तुम सब ने मुझे जगा दिया। तुम लोग बहुत वरिड लग रहे हो, what is the matter? You are comfortably sleeping here, and there, the mountain wants to be the king of the forest. अब तुम ही कुछ करो, चलो चलो, जल्दी चलो। अच्छा, ऐसी बात है, तब मैं क्या कर सकता हूँ? What can I do? मैं तो वैसे भी बहुत छोटा हूँ, जब तुम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो मैं क्या कर पाऊंगा? अच्छा चलो, फिर भी चलकर देखते हैं। अच्छा, तो अब इस नन्हे माउस को लेकर आए हो तुम लोग। अच्छा, तो तुम मुझे डिफीट करोगे मिस्टर माउस? अरे टाइनी माउस, अगर मेरा एक छोटा सा भी टुकड़ा तुम्हारे ऊपर गिर गया ना, तो तुम्हारी बॉडी का पता भी नहीं चलेगा। सेव योर लाइफ मिस्टर माउस। लुक माउंटेन, डोंट बी सो एरोगेंट। तुम्हें अपने स्ट्रांग होने पर प्राइड नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें सभी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अगर तुम नहीं समझोगे तो अभी मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। ठीक है ठीक है, तो तुम भी ट्राई कर लो। यह सुनते ही चूहे ने स्माइल किया, क्योंकि उसे पता था कि अब वह क्या करने वाला है, जिससे माउंटेन को हार माननी ही पड़ेगी। चूहे को हंसता देखकर सभी एनिमल्स भी जोर जोर से हंसने लगे। अब माउंटेन थोड़ा घबरा गया, सोचने लगा कि ये सब क्यों हंस रहे हैं। तभी रैट ने अपना काम शुरू कर दिया। अरे अरे, ये क्या कर रहा है? ओह नो, इट्स निबलिंग मी, इट्स हर्टिंग मी, ऐसे तो मुझे ये काट ही डालेगा। देन द माउंटेन बिकेम अफ्रेड एंड सेड, आई एम सो सॉरी, मुझे समझ आ गया है कि एरोगेंस इज नॉट अ गुड थिंग। इस तरह से पर्वत के घमंड को एक छोटे से चूहे ने तोड़ दिया। तो बच्चों, देखा आपने कैसे एक छोटे से माउस ने एरोगेंट माउंटेन को सबक सिखाया। इसलिए हमें कभी भी किसी भी बात का घमंड नहीं करना चाहिए।